मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। तेली में साला के सभी दर्शकों को हम दोनों की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सर इस बार तो बहुत ही खुशी हो रही है, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं एंड हमारे तिरंगे को अपना कर भी 75 वर्ष हो चुके हैं एंड इस साल जो मुहिम चली है हर घर तिरंगा, तो मैं बस वही कहना चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों को कि इस मुहिम में अपना पूरा पूरा सहयोग दीजिए एंड इस साल हम तो हमारे घर पर तिरंगा लगा रहे हैं, आप भी लगाइए एंड इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दीजिए। बचपन की जब बात करें तब बहुत ही अच्छा हमारा पूरा दिन बीतता था बिकॉज हमारे स्कूल्स में यू नो फंक्शंस होते थे 15 अगस्त को लेकर एंड अर्ली मॉर्निंग जाते थे, फ्लैग होस्टिंग होता था, गेम्स खेलते थे, मार्च पास होता था, तो काफ़ी अच्छा दिन होता था। सो यस, हम वो मेमोरीज को काफ़ी चेरिश करते हैं एंड वो एक ऐसा दिन है जब यू नो छुट्टी मिलती है हमें, तो उस दिन हम खुशी खुशी स्कूल और कॉलेजेस जाते थे यू नो कि 15 अगस्त है और हम सुबह 5 बजे उठ जाते थे, 6 बजे स्कूल पे होते थे, तो यस बहुत खुशी मिलती थी तब हमें। यस सुबह हम लोग 4:35 तक हम लोग उठ जाते थे, 5:45 तक हम लोग ऑलमोस्ट यू नो 5:30 5:45 तक स्कूल पहुंच जाते थे, उसके बाद फ्लैग होस्टिंग होता था एंड वहाँ पे हमें वो छोटे छोटे फ्लैग्स दिए जाते थे, पिंस दी जाती थी, तो हम लगाते थे कुर्ते के ऊपर, बहुत ही गर्व फील होता है उससे। डांस कॉम्पिटिशन होते थे एंड हम भी पार्ट लेते थे उसमें एंड गेम्स भी होती थी, सो यू नो वो सैक वाली गेम्स होती थी, नींबू चमची हम लगाकर गेम्स खेलते थे, तो ये काफ़ी मेमोरेबल है। डांस कॉम्पिटिशन्स होते थे, सो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स भी होते थे, हमने पार्ट लिए, तो हमें काफ़ी मज़ा आता था उस दिन जाकर स्कूल। और मैं तो बस वो मिठाई जो स्वीट्स मिलती ना उसका वेट करता था कि कब स्वीट्स आएंगी कब स्वीट्स आएंगी। फ़ोन से मिलनी चाहिए नहीं, हमें उस चीज़ से आज़ादी लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए, बिकॉज आजकल हम देखते हैं हर कोई यू नो अपने फ़ोन में ही लगा पड़ा हुआ है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यू नो ये हम भी करते हैं, मैं उसमें कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, बट इज इन किसी को पॉइंट आउट करके कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने आप को भी इसमें एक्सेप्ट करता हूँ कि वो गलती हम भी करते हैं जो यू नो हमें नहीं करनी चाहिए, हमें वो वक्त हमारी फैमिली को देना चाहिए, बिकॉज यू नो आजकल क्या हो गया है, हम खाना खा रहे होते हैं हमारा साइड में फ़ोन चल रहा होता है, हम कुछ कर रहे हैं फैमिली मीटिंग्स हो रही है गैदरिंग्स हो रही है वहाँ पर हम फ़ोन लेके बैठे हुए हैं। सो आई थिंक इस चीज़ से हमें खुद से आज़ादी लेनी चाहिए फ़ोन से, और कुछ वक्त हमें हमारे जो आस पास के लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनके साथ वो वक्त बिताना चाहिए। मैं राज के साथ पूरी तरह सहमत हूँ बिकॉज आई थिंक फैमिली एंड फ्रेंड्स, आई थिंक जो भी हम साथ में मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं, आई थिंक वो अभी करने चाहिए हमें बिकॉज हमें वो सालों साल तक याद रहेंगे। सो यस, फ़ोन इज़ वन थिंग दैट वी शुड टेक, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि नहीं यूज़ करना चाहिए, बट इट्स जस्ट कि उसे एक टाइम देना चाहिए एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। वैसे अगर मुझे आंसर देना हो तो मैं कहूँगा कि मेकअप से आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है जब आप 12 आवर्स 14 आवर्स अपने फेस में मेकअप रखते हैं, स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा होता है, स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, सो एक्ने आना शुरू हो जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं मुझे, सो बस मेकअप से आज़ादी मिल जानी चाहिए एंड यू नो विदाउट मेकअप जाओ शूट करो घर पर आ जाओ, कोई टेंशन नहीं।